NK tutorial. This is Nushrat here and I'm teaching you maths of NCERT class 8. So, bachcho, ab hum karne ja rahe hain. We are going to do now question number 4th of exercise 6.4. Just look here. What question number 4 says? Here telling, find the least number which must be subtracted from the number so as to get perfect square. And also find the square root of the perfect square. Means here, what one see? सबसे छोटा सा छोटा नंबर होगा ओके व्हिच विल बी सबट्रैक्टेड व्हिच मींस व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर जो ये नंबर दिए हैं उनमें से सबट्रैक्ट करने पे ये नंबर हमारे परफेक्ट बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे वो कौन सा नंबर होगा ओके दैट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर सो जस्ट लुक हियर सबसे पहले यू नो फर्स्ट व्हाट यू विल डू फर्स्ट स्टेप टेक स्क्वायर रूट ऑफ 402 हम 402 के स्क्वायर रूट लेंगे Pairing 2 to the 4, you get here 2 to the 4, you get 0. Now pairing 2, remainder is 2, but aapko yahan pe put karna hoga 0, 20, because you know square root of 20 is 400 and 2 is remaining here. Here is 402. Agar hum sirf 2 yahan pe remain karte hain, 2 to the 4, 4 aayega. So that at last we will have to put 0. Yahan pe hume 0 put karna hoga. Therefore, means look here. Here we get remainder 0. We get remainder 2. Sorry, 0 nahi, ye to cancel ho gaya. Haan, we get remainder 2. It shows that isse pata chalta hai. It shows that 20 square means a square of 20 is less than 402. 20 का स्क्वायर 402 से कहीं ना कहीं कम है दैट्स व्हाई इट्स नॉट परफेक्ट रिमाइंडर आ रहा है दस 402 मस्ट बी सबट्रैक्टेड इसलिए 402 को हम सबट्रैक्ट करेंगे बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम 402 2 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर Perfect square. Okay. Thus, required perfect square is is equal to what? 402 में से 2 को माइनस करेंगे. 402 minus 2 is equal to 400. This is a perfect square. ये हमारा perfect square हो गया. But here telling also find the square root of the perfect square. Whatever the perfect square we get, जो perfect square हमारा आता है, now you have to find its square root. अब हमें उसके square root find out करने हैं. Just look here. Square root of 400 is equal to, you know, you will get, आप कर लेना, square root of 400 is 20, huh? Just look here. 2 to the, you know, हमने 20, 402 में, just look here, 20 was here. करने की जरूरत नहीं है 20 यहाँ पे था हमारा 20 में से 2 मींस स्क्वायर ऑफ 20 इज 400 देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 बस इतना जस्ट रिमेंबर देयर इज नो नीड टू डू करने की जरूरत नहीं आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ओके सो जस्ट लुक हियर सेकंड पार्ट गेटिंग इट नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं ओके नो एनी प्रॉब्लम नो एनी डॉट नो नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे सेकंड पार्ट 1989. Just look here. इसी तरह से हम इसे नोट डाउन करेंगे by making pair बनाकर. Just look here. 4 times 4 4 जब 16. 4 times करेंगे क्यों? If you do by 5, 5 is a 25 ज़्यादा आ जाएगा. इसलिए 4 4 जब 16. 9 minus 6, 3 was. Okay. Now अब same pair को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 89 को. And 4 को plus करेंगे. 4 will be plus. 4 4 8. Now which number will you use here? यहाँ पे कौन सा नंबर हम रिटेन करेंगे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 389. जस्ट लुक हियर 7 इफ यू डू हियर 7 हाँ 7 7 जो 49 नो ज़्यादा आ जाएगा विल बी मोर बाय 3 यू सॉरी बाय 3 3 3 जो 9 3 8 जो 24 नो 7 3 3 जो 9 3 8 जो 24 3 3 is a 9, 3 8 is a 24. We are getting here.
इसीलिए हम 1989 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 53 से बाय 53 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ओके। परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम इसे 53 से माइनस करेंगे, ओके। दस द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर is equal to 1989 minus 53. 53 is minus करेंगे 9 minus 3 6, 8 minus 5 3 and 1936. You get it now? So therefore, okay, the square root of 1936 is equal to what? 44. क्योंकि 44 का square perfect आता, ये feed is अगर हमारे पास 53 डिवेंडर नहीं होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 वुड बी 44, ओके। सिंस यह 53 इज डिवेंडर है, 53 डिवेंडर है, 1989 का डिवेंडर 53 आता है, इफ यू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, इट मींस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 44 इज व्हाट? 1936 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 44. गॉट इट? Next is, next, if you have any dot, you can square, you can find its square also. So, like this, not third part, 3250. Similarly, उसी तरह से हम क्या करेंगे? You will find the square root of 3250. Pairing करेंगे. Now, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36. हम अगर 6 से यहाँ पे करते हैं 6 6 36, देन इट विल बी मोर देन 32. सो यू विल मल्टीप्लाई हियर बाय डिवाइड हियर बाय 5. 5 5 इज 25. गॉट इट? ओके. सो 12 माइनस 5, 12 में से 5 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 7 हियर, ओके. नाउ नोट डाउन दिस पेयर एज इट इज. इस पेयर को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, गेटिंग ना? सो वी हैव 750. नाउ जस्ट लुक हियर, मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट 750. हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 7 7 49 कैरी 4, 7 0 जा 0, वी गेट 4 हियर, 7 जा 7, ओके. 10 माइनस 9 1, वी गेट रिमाइंडर 1 year. You know, so write down here, हम यहाँ पे रिटन करते हैं, सिंस वी गेट रिमाइंडर 1,
ओके, इट शोज दैट स्क्वायर ऑफ 57 का स्क्वायर इज लेस देन 3250 ओके 57 का स्क्वायर 3250 से कम है, दस इसीलिए 3250 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, दस 3250 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाय 1 बिकॉज रिमाइंडर इज 1 बाय 1 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर और 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, दस दी रिक्वायर्ड देयरफॉर दी रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 3250 माइनस 1 इज इक्वल टू 3249, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ओके। नाउ हियर आल्सो टेलिंग फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, अब इस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 57 बिकॉज 57 एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड द रिमाइंडर मोर देन 57 है, ओके 57 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3249 बिकॉज 3250 अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वी गेट रिमाइंडर 1, सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3249 इज व्हाट, दैट इज 57, गॉट इट नाउ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर मींस यू कैन फाइंड आउट योर द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3249 योरसेल्फ by using division method, by using subtraction method, any method you can do. So next is, अब हम next part देखते हैं, what the third part says here. There is more question, one more question है यहाँ पे, look here, writing here, 825, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था 825 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट करेंगे, देन हियर पेयरिंग 9 टू 2 जा 4 3 3 जा 9 ज्यादा आते हैं इसलिए हम करेंगे 2 2 जा 4 8 माइनस 4 यू विल गेट 4 हियर, देन नोट डाउन टू दिस पेयर 25 को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, नाउ लुक हियर वंस अगेन 2 हो 2 से ऐड करेंगे 2 2 जा 4 हियर, नाउ लुक हियर विच नंबर विल यू यूज हियर टू गेट 425, कौन सा नंबर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे जो 425 आ जाए अदरवाइज लेस देन 425, तो दिस लुक हियर 45 फाइव जा नो, तो व्हाट विल यू राइट डाउन हियर 88 जा 64 हम यहाँ पे करते हैं सपोज दैट दिस लुक हियर 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28 नहीं आ रहे हैं, दिस लुक हियर 9 से पुट कर सकते हैं यू नो, हाँ 9 9 जा 81 कैरी 8 9 4 जा 36 36 एंड 8 व्हाट विल बी 36 एंड 8 व्हाट विल बी, इट विल बी मोर देन 4 दैट विल बी 44 ओके, सो इट विल बी ज्यादा आ रहा है, डोंट डू बाय दिस ओके, तो हम वंस अगेन 7 से ट्राई करेंगे, मीन्स आपको इस तरह से ट्राई करने हैं ओके, जस्ट लुक हियर 7 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28 28 एंड 4 28 में अगर हम 4 ऐड करेंगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 36 28 एंड 4 यू विल गेट 28 एंड 4 यू विल गेट 32 329, अगर सपोज दैट अगर हम इसे 8 से करते हैं, अगर आप 8 से करके देखते हो जस्ट लुक हियर 8 से ट्राई करो 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 32 एंड 6 व्हाट विल बी 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 32 एंड 6 व्हाट विल कम 32 एंड 6 विल कम 38 आ जाता है ओके,
आप इस तरह से 9 से भी करके देख सकते हो. तो अब जब यू प्यू सी बाई 9, 9 से हमारा ज्यादा आ रहा है, यू आर गेटिंग ना, जस्ट स्टॉप इट हियर. 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 4, एंड दिस हियर 4 माइनस 3 नो, यू नो वी हैव टेकन कैरी हियर 1, सो हमारा 40 बना. लाइक दिस यू विल ट्राई. पहले आप यहाँ पे पुट करो 7, 6, 5, जो आपको लगे कि आ सकता है. ओके, तो हमने देखा 7 से नहीं आया, 6 से नहीं आया, 9 से ज्यादा आ रहा है, सो बाय 8 वी हैव गॉट इट. ओके, 8 से हमारा आ गया, बट स्टिल रिमाइंडर इज 41. सो जस्ट लुक हियर, सिंस वी गेट रिमाइंडर, 41, it shows that square of 28 is less than 825. 28 का square 825 से कम है. ओके, बाय व्हाट, कितने से कम है, 41 से, बाय 41. देयरफॉर 825 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसलिए हम 825 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने से, बाय 41, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, दिस दी रिक्वायर्ड, दिस दी रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर. इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा हमारा, 825 माइनस 41, 825 माइनस 41, 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 4, 12 माइनus 4 8, 12 माइनस 4 what will be 8. ओके, एंड दिस इज 7 here, what is here 7, ये हमारा हो जाएगा 7. इट मीन 784 इज द परफेक्ट स्क्वायर. देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 784, 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा, what will be, कितना, that is 28, because you know why, क्योंकि हमारा 825 का रिमाइंडर स्क्वायर रूट फाइंड करने पे 41 आता है, means 41 को अगर हम माइनस करेंगे 821 से, then that will get, we get the perfect square of 28, हम 28 का perfect square फाइंड आउट कर लेते हैं. therefore the square root of 825 is no, the square root of 784 is 28, got it? So I hope you will be getting these questions very clearly, no any problem, no any doubt. Okay, I'll meet you in next video with next question. Till then, bye bye.